हाँ जी बेटे, अजय कर दें कि जो एडजॉइंट्स के इनवर्सिस दी सारियां डिटेल्ड प्रॉपर्टीज़ कर दें। अच्छा, जो प्रॉपर्टीज़ आप सारियां लिस्ट करांगे ना, ये सारियां थोड़ियां मेन्स ते एडवांस चाहिए राइट, ते स्कूल च बोर्ड च जिहड़ियां चाहिए हो गया मैं लिख दाँगा। ठीक है, सो चलो रिविजन शुरू कर दें। लास्ट आप पढ़िया सी कि एक ए मैट्रिक्स है, ठीक है, वह एडजॉइंट कर लिया, ए इंटू एडजॉइंट ए इज मॉड ए इंटू आई, ये आप ऑलरेडी पढ़ लिया। दूजा इनवर्स पढ़िया सी कि दो स्क्वायर मैट्रिसेस अगर मल्टीप्लाई करके और यूनिट मैट्रिक्स आ जाए, ठीक है, कंडीशन की सी कि नॉन सिंगुलर होने चाहिए, तो यदा मतलब हो गया कि वो एक दूजे का इनवर्स है। ठीक है, सो किसी का भी इनवर्स लभना तो किमें लभना है कि एक यहोजा मैट्रिक्स लभीए कि जिनों वो मल्टीप्लाई करके आई आ जाए तो वह इनवर्स है। ठीक है, तो इतने अगर मैं बी की वैल्यू ए इनवर्स रखदा तो की सगा ए इंटू ए इनवर्स इज आए, ठीक है, या ए इनवर्स ए इज आए। और इस प्रॉपर्टी नूं गांह वरतांगे कि जब भी मैं कहां जी हुण आ ए मैट्रिक्स है, इनू इत्थों रिमूव करो, ठीक है, वो मैट्रिक्स खत्म करना है, तो की करांगे असी दो उहदे नाल अगर ए इनवर्स नाल मल्टीप्लाई कर दिए तो उहनूं मल्टीप्लाई करके की आए आ जूगा। सो वेन एवर वी नीड टू रिमूव सम मैट्रिक्स, की करांगे उहनूं उहदे इनवर्स नाल मल्टीप्लाई कर देंगे। मुझे तो पहले ख्याल ही रखना है कि वह मॉड जीरो ना हो। ठीक है, सो पहलियाँ दो तो असी इनफैक्ट तीजी भी कर ली सी अपना प्रॉपर्टी कल के इनवर्स कढ़ना सीख लिया सी कि हुण इत्थे जिवें इहदी डेरीवेशन किदां सी कि इत्थों मॉड ए नूं अगर नीचे लै जाइए, ठीक है, तो की बन जाता सी तुहाडे को कि ए इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है, बाय मॉड ए कि बराबर आ गया आए। हुण इत्थे ए इंटू बी आए है, यदा मतलब आ यदा इनवर्स है। ठीक है, ए नूं किसी भी मैट्रिक्स नाल मल्टीप्लाई करिए वो यूनिट आ जाए, इनवर्स हो जाए, मतलब आ मैट्रिक्स ए इनवर्स है। ठीक है, अच्छा चौथा फोर्थ प्रॉपर्टी हुण कहिंदा एडजॉइंट ए इनवर्स लभो, इत्थों हुण ये नवा पार्ट शुरू होने लग्या। हुण सोच के वेखो कि जिवें तुहानूं कहां एडजॉइंट ए इनवर्स लभो, पहलां तां एडजॉइंट ए कढ़ना बड़ा क्लमजी है, सारे कोफैक्टर लवेंगे है ना, वो मैट्रिक्स बनावेंगे, ट्रांसपोज लवेंगे और जॉइंट आएगा, एडजॉइंट आ गया है ना, हुण उहनूं उहदे मॉड नाल डिवाइड करांगे वो इहदा इनवर्स हुंदा। ठीक है, सो हुण एडजॉइंट ए भी तो बेटे एक मैट्रिक्स ही है ना, वाला आ भी तो एक मैट्रिक्स है, तो अगर मैं इहदा इनवर्स लभण नूं कहां इहदा मतलब फिर आपां सोचांगे कि नहीं यार पहलां जिहड़ा मैट्रिक्स है इहदे कोफैक्टर गांह लईए, है ना, एक स्टैप होर गांह जाना पैणा, फिर गांह उहदा एडजॉइंट कढ़ांगे, सो दैट इज सर्टनली अ लेंथी प्रोसैस। तो साढ़े को शॉर्टकट आ इतों ही, अगर देखो तो मैनू एडजॉइंट ए एक जिहड़ा मैट्रिक्स इनवर्स चाहिए, ऐसे क्वेश्चन देखो आ तो नंबर ही है ना बेटे, मॉड मॉड ए तो एक नंबर है, तो इनू मैं इदा लिख लाँ अगर उपर वाली क्वेश्चन ए बाय मॉड ए इंटू एडजॉइंट ए इज आई, अच्छा नंबर है ना मॉड 2 3 4, इन इतने लिख लिया। हुण लुक एट दिस इक्वेशन, असी एडजॉइंट ए नू एस मैट्रिक्स नाल मल्टीप्लाई करता तो आ गया आई, यदा मतलब आ वाला मैट्रिक्स है ए बाय मॉड ए का इनवर्स हो गया। ठीक है, देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इज ए बाय मॉड ए, इसलिए आपां नूं कुछ करन दी लोड़ नहीं, ए तुहानूं पता होगा, ठीक है, जिहड़ा मैट्रिक्स गिवन है उहनूं उहदा मॉड जो भी आया है उहनूं डिवाइड कर दो। ठीक है, सो ये सारी लिस्ट तुसीं की करो जिवें नोट्स बनाउणे आ सारे तुसीं लिस्ट आउट कर लेनी है। सो इस जनरली की होगा जिन्ने फॉर्मूले सारे ए ते ही आ जाने, ठीक है, जिवें एडजॉइंट ए इनवर्स गां गां करने की लोड़ नहीं, ए बाय मॉड ए। ठीक है, आई होप आ क्लियर है। ठीक है, नाल ही इत्थे चौथे का कोई ए पार्ट भी लिख लो, आ भी मैं लिस्ट नहीं कर सकिया, वो हैगा कि ए इनवर्स द इनवर्स, ठीक है, वो भी ए होंदा है। अगर मैं कहां ए इनवर्स है वह फिर इनवर्स कढ़ो ए, वो तुसीं इत्थों भी देख सकते हो, इत्थों देखो ए नूं इहदे नाल मल्टीप्लाई किया आए आ गया, ये मतलब ए का इनवर्स आया और एदा इनवर्स कौन है आ वाला, सो इस चीज़ का इनवर्स मतलब ए इनवर्स का इनवर्स ए है, सो थोड़े कितों ये आ गया। सो अगर दो बार इनवर्स लिया, ऐदा नहीं कि वेले हाँ चलो छुट्टियां चलनियाँ तो दो बार इनवर्स ले लिए, तो ए तो आ ही जाना, बट पहली बार इनवर्स कर दो ए इनवर्स का इनवर्स ए, राइट। ठीक है, आ होगी चौथी प्रॉपर्टी, मैं फिर कह रहा बार बार लिस्ट बना लियो। ओके, हुण अन्ना याद रखो कि कोई भी अगे तो जो प्रॉपर्टीज़ प्रूव करनी है कुछ मैं प्रूफ तुम दे देना, अगर एडजॉइंट का प्रूफ है या एडजॉइंट रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी है तो ए पहली प्रॉपर्टी वरतना,
इनवर्स दे रिलेटिड है तो इनवर्स ने, ठीक है, एडजॉइंट दे रिलेटिड है तो आप यूज कर लेंगे, इनवर्स दे रिलेटिड है तो सैकेंड वरत लेंगे। ओके हुण जिवें कहिंदा जी डिटरमीनेंट ऑफ ए इनवर्स, हुण तुसीं सोच के वेखो नाल नाल सोची जाओ कि ए एक मैट्रिक्स दिता है, सपोज तुहानूं कोई इस तरह का उन्हें मैट्रिक्स देता है ए, जस्ट रैंडम एक लिख लें। हुण मैं कहां जी इहदा लेट्स से इनवर्स कढ़ो, तो उत्ते को फैक्टर ना कढ़ांगे सारा लंबा, फिर मैं कहां इनवर्स का डिटरमीनेंट कढ़ो। हुण इनवर्स भी तो बेटे एक मैट्रिक्स ही आया ना, एक हुण उस मैट्रिक्स का डिटरमीनेंट पुछदा है, तो इदा नहीं करांगे एक पहला उहदा मैट्रिक्स कढ़ांगे फिर उहदा इनवर्स सॉरी उहदा पहला इनवर्स कढ़ांगे फिर उहदा मॉड लवांगे। सीधिया सीधिया प्रॉपर्टीज़ हुण मैं लिखवानी है तुहानूं डेरीवेशन दे नाल। हुण देखो मैनूं इन्ना पता है कि ए इंटू ए इनवर्स इज आई, ठीक है, ए इंटू ए इनवर्स इज आई, और मैनू चाहिए मॉड। हुण जे दो मैट्रिसिस बराबर है पुत्र तो दोनों पासे उन्होंने मॉड भी बराबर होने, सो दोनों पासे मॉड ले लिया। हुण मॉड की प्रॉपर्टी, मॉड ऑफ ए इंटू बी इज मॉड ए इंटू मॉड बी, ठीक है, बिकॉज ए इनवर्स भी मैट्रिक्स है एंड आई का मॉड कितना आ गया वन, हुण नंबर है, हुण मैट्रिक्स ही नंबर है, देयरफॉर ए इनवर्स का मॉड कितना आ गया, नीचे ले जाओ वन बाय मॉड ए, ठीक है, तुहाडी नैक्सट प्रॉपर्टी बन गई। इहदा मतलब अगर मान लो एस मैट्रिक्स का मॉड टू आया तो ये इनवर्स का मॉड वन बाय टू आएगा, ठीक है, सो बिना इनवर्स कढ़िया असीं उहदा मॉड कढ़ सकते हैं, देयरफॉर ए इनवर्स इज वन बाय मॉड ए। ओके नाल नाल मैं दसी जावां कि फर्स्ट प्रॉपर्टी स्कूल च आएगी, सैकेंड आएगी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, इन्ना तो पक्का होनी है, बाकी अगेन मैं तां दस रहा कि जिहड़े बच्चे सिर्फ स्कूल का कंसर्न है तो ये करनिया है ना, बाकी मेन्स एडवांस वाले ने सारिया करनिया, ठीक है बेटे। सो आ थोड़े को हो गया, अच्छा उदे बाद इत्थे आ जाओ एडजॉइंट ए दा मॉड, ये पक्का स्कूल तुहाडे सवाल आउंदा है, कंपीटीशन ते असीं अज करांगे ते आउंदे आउंदा है, सो एडजॉइंट ए दा डिटरमीनेंट। नाउ फॉर्मूला मैं लिखा है, दैट इज़ अगेन डिटरमीनेंट ऑफ ए दी पावर एन माइनस वन, एन की उहदा ऑर्डर, जिवें थ्री क्रॉस थ्री है तो इतने मॉड ए का स्क्वेयर आ जाएगा, ठीक है, फोर क्रॉस फोर है तो मॉड ए का क्यूब आ जाएगा, तो अगेन डिटरमीनेंट ए वैल्यू आया कितों है, इतों प्रॉपर्टी इन्हों दो तरीके ना प्रूव कर सकते हैं, तो पहला एवें ले लो कि ए इंटू चलो मैं तुहानू चलो ये ही कर दिना, सो ए इंटू एडजॉइंट ए इज मॉड ए इंटू आई, ठीक है, ऑर्डर यदा एन मान लो जिमें थ्री क्रॉस थ्री फोर क्रॉस फोर, ठीक है, एन थर्डर मान लिया। हुण मैनू मॉड चाहिए एडजॉइंट का, ठीक है, तो की करिए मैं दोनों पासे मॉड ले लिया, राइट, अच्छा तो प्रॉपर्टी मॉड ऑफ ए इंटू बी, डेरीवेशन स्कूल च नहीं आएगी, एक ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन करांगे उस डेरीवेशन के बेस से ही सवाल आएंगे, सो मॉड ऑफ ए इंटू बी इज मॉड ए इंटू मॉड बी, इतों थोड़े को एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट आ जाएगा। अच्छा ना आ एक नंबर है टू थ्री फोर, नंबर नू किसे मैट्रिक्स दे बाहर लवांगे तो की आता है आ प्रॉपर्टी लास्ट डिटरमिनेंट ऑफ के ए इज के दी पावर एन इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है, मैं क्या सी इंपॉर्टेंट है कॉन्सटेंट बाहर लेना तो के दी पावर एन, तो के दी पावर एन बाहर आ जाएगा, मॉड ए दी पावर एन इंटू बचा की है मॉड आई, और मॉड आई कितना होंगे वन होंगे बेटे, ठीक है, हुण बीइंग नॉन जीरो मॉड ए इत्थे कट के कितना आ जाएगा एन माइनस वन, सो दिस इज मॉड ए दी पावर एन माइनस वन, सो देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज डिटरमिनेंट ऑफ ए दी पावर एन माइनस वन। एक छोटा जहा एग्जाम्पल लै लो, मैं कहाँ डिटरमिनेंट ऑफ ए टू आ और ए थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स है, अगेन दिस इज वेरी वेरी कॉमन एंड कन्फर्म क्वेश्चन, वह कहता जो एडजॉइंट आएगा वह मॉड दसो, सो फॉर्मूला पता है मॉड ऑफ एडजॉइंट इज मॉड ए दी पावर एन माइनस वन, थ्री माइनस वन दैट इज मॉड ए का स्क्वेयर, और मॉड ए की वैल्यू कितनी है टू, सो टू का स्क्वेयर फोर आ जाएगा। यदा मतलब की होया कि जिहड़ा भी मैट्रिक्स ए होएगा पुत्र, थोड़ा मैट्रिक्स नहीं पता बट जिहड़ा भी होएगा वह डिटरमिनेंट पता है, तो वह जिहड़ा भी एडजॉइंट आएगा वह डिटरमिनेंट चार होएगा, ठीक है, सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर योर बोथ स्कूल एंड कंपीटिशन एग्जाम, ठीक है, तक थोड़ा हो गया आई गैस थानू डेरीवेशन क्लीयर है। उसके बाद ए इंटू बी इनवर्स, अच्छा याद रखो तीन चीज़ा जिहड़ियां स्टैंडर्ड या रिवर्सल लॉ फॉलो कर दी, एक ट्रांसपोजिस है ना,
ए इन टू बी ट्रांसपोज मल्टीप्लीकेशन इज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज एंड फिर इनवर्स इज द एडजॉइंट। ठीक है, सो पहला मैं रिजल्ट लिख देना, फिर मैं प्रूव करा देना। ए इंटू बी इनवर्स इज बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। और अगर तुहानू याद होगा पिछले लैक्चर च मैं कहा सी कि एडजॉइंट ते इनवर्स बड़ा मामूली जिहा फर्क है। मैट्रिक्स जिहड़ा एडजॉइंट वाला मैट्रिक्स है उन्हों मॉड नाल डिवाइड कर दिए तो इनवर्स आ जाता है। मतलब बहुत सारिया प्रॉपर्टीज़ इनवर्स या तो एडजॉइंट दियाँ लगभग सेम होनियाँ। ठीक है, तो वैसे मैं याद कराया क्योंकि अगे मैं इनू वरतना। अच्छा, हुण पहला इनू प्रूव करते हैं, रिजल्ट याद होना चाहिए, रिवर्स हो जाएगा। पहला प्रूव वेखते हैं ना। हुण मैनू ए बी एक मैट्रिक्स है ना, ए ते बी स्क्वेयर मैट्रिक्स है, मतलब सेम ऑर्डर दे मल्टीप्लाई करके भी मैट्रिक्स आऊगा। ठीक है, तो तुसीं ए बी नू सी मान लो। हुण मैं कहे जे इनवर्स की गल है तो इनवर्स वाली प्रॉपर्टी ते आ जाओ। सो सी इंटू सी इनवर्स इज आई। ठीक है, सी इंटू सी इनवर्स इज आई। नाउ सी किन्ना है बेटे, ए बी। सो ए बी इंटू ए बी इनवर्स इज आई। ठीक है, हुण मैनू इनू दो तरीके नाल प्रूव कर सकदे। हुण मैनू इत्थे ए बी इनवर्स चाहिए, यदा मतलब मैं आ दोनों इतने नहीं चाहिए। तो एक तो तरीका स्टैप बाय स्टैप मैं पहला एनू उड़ाव कि असी बी नू रिमूव कर सकते पहला, नहीं पहला ए रिमूव होएगा। और मैं हुणे कहा सी किसी भी मैट्रिक्स नू रिमूव करना तो की करिए उन्हों उहदे इनवर्स नाल मल्टीप्लाई कर दिए। तो प्री मल्टीप्लाई करदा ए इनवर्स नाल। सो ए इनवर्स ए बी, ए बी इनवर्स इज ए इनवर्स इंटू आई। आ स्टैप समझ आना चाहिए। पहला ए इनवर्स नाल क्यों किया, क्योंकि हुण मैं इनू एसोसीएट कर दूंगा। ए इंटू ए इनवर्स किन्ना आ जाएगा, आए आ खत्म हो गया, बी रह जाएगा। सो इधर किन्ना बच जाएगा, ए इनवर्स इंटू आई इज ए इनवर्स। ठीक है, सो इधर बच गया बी इंटू ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स। हुण मैं बी मुकाउणा है तो दोनों पासे प्री मल्टीप्लाई कर दाँगा बी इनवर्स नाल। सो बी इनवर्स बी ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स एंड ए इनवर्स। सो दिस इज वन ऑफ द मैथड्स। सो बी इनवर्स इंटू बी बेटे फिर आई आ गया, तो कि आ गया ए बी इनवर्स इज बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। आडा सतवीं प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। ठीक है, और वी विल यूज दैट अगेन प्रूफ। स्कूल नहीं पूछना, स्कूल प्रॉपर्टी मैनशन थोड़े की है, बट यू शुड नो कि वैन एवर वी नीड टू रिमूव सम मैट्रिक्स वी कैन मल्टीप्लाई विद इट्स इनवर्स। ठीक है, तो आई नैक्सट हो गई। ये एक दो रिजल्ट होर लिखा दा मैं, आ तुसी नोट कर लो, आई एम गोइंग टू रब इट। ठीक है, स्टैप बाय स्टैप पहला ए रिमूव कर लिया बी। अच्छा, उदे बाद जब मैं दस्सिया सी मल्टीप्लीकेशन भी जिवें हुण दो होण ते जनरलाइज भी ट्रू है। जनरलाइज रिजल्ट की है कि ए इंटू बी इंटू सी एंड सो ऑन, लेट्स से एन मैट्रिक्स या इनवर्स इज इक्वल टू सो ऑन डॉट 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 सी इनवर्स बी इनवर्स एंड ए इनवर्स। एंड इफ यू रिमैम्बर ट्रांसपोज भी इदा मैं प्रूव किया। बाद मैं दस्या मान लो ए बी सी सारे ए ए ए बराबर रख दिए, तो ए ए ए अगर मान लो अंदर एन आ तो कि हो जाएगा ए की पावर एन का इनवर्स इज हाँ जी ए इनवर्स की पावर एन। ठीक है, सो थोड़े को नैक्सट हो गए। ठीक है बेटे, सो स्कूल सिर्फ आ वाली याद रखनी तुसी, बाकी जो मैं बार बार कह रहा जी डेरीवेशन जो कर रहे हैं असी इनडायरैक्टली क्वेश्चन ही कर रहे हैं जेई दे। अच्छा, फिर कहता एडजॉइंट ऑफ ए बी, अगेन ए बी रिवर्सल लॉ, दैट इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इन टू एडजॉइंट ऑफ ए। ये नैक्सट प्रॉपर्टी हो गई। प्रूफ सीधा ही है, हमने तुसी कीता कि ए बी इनवर्स। अच्छा, ए बी इनवर्स कि बराबर होंगे, अगेन ए बी इनवर्स इज प्रूफ कर देना मैं, जिमें आ सी एस सी इनवर्स इज एडजॉइंट ऑफ दिस, एडजॉइंट ऑफ ए बी बाय मॉड ए बी। आ गल मान दो किसी मैट्रिक्स का इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए बाय मॉड ए। ठीक है, क्योंकि ए बी भी एक मैट्रिक्स है सी, तो एवं लिखो सी इनवर्स इज एडजॉइंट सी बाय मॉड सी, बाद में वैल्यू फिल करती। हूँ वट इज हूँ मैंने ए वैल्यू चाहिए एडजॉइंट ए बी की, तो गल खत्म। तो आ नंबर है उधर मल्टीप्लाई कर दो इतने। ठीक है, सो कि आएगा मॉड ए इंटू बी इज मॉड ए इंटू मॉड बी, ए नंबर है मैट्रिसेस नहीं है। सो वट इज ए बी इनवर्स, हमने ही पढ़िया बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ओपरली प्रॉपर्टी वट ली, तो बस गल खत्म। वट इज बी इनवर्स, एडजॉइंट बी बाय मॉड बी, मैट्रिक्स है वाला आ स्केलर है। वट इज ए इनवर्स, एडजॉइंट ए
बाय मॉड ए, मॉड ए मॉड बी इतने कटिया गया, तो कि आ गया थोड़े को एडजॉइंट ऑफ ए बी इज देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए टाइम्स बी इज एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, सो ए स्कूल च नहीं है, राइट, कंपटीशन से बहुत सर्टनली है। सो अगेन जनरलाइज कर देंगे, अगर ज़्यादा होन तीन होन तो कि आएगा, जनरलाइज कर दो कि फिर ए बी सी डॉ, सो हैगा डॉट डॉट डॉट, बिल्कुल ये तुसी खुद कर लो। अगर इतने एन हो जाए, सो एडजॉइंट ऑफ ए रेस्ट पर एन इज एडजॉइंट ऑफ ए रेस्ट टू पर एन, आ थोड़ा एन वाली प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, सो आई होप जे तुम्हें नहीं समझ आया तो जस्ट रिवाइंड इट एंड सी दैट वंस अगेन, एंड नाल नाल लिस्ट बनाई जाओ। ठीक है, सो नैक्सट कहिंदा जी के कोई स्केलर है, जिवें हुण ए इनवर्स कढ लिया तो ठीक है, कहिंदा टू ए दा इनवर्स दसो, थ्री ए दा इनवर्स, कोई नंबर मल्टीप्लाई करता नाल। सो अगेन मैं जिवें पहला भी कहा सी कि जे इनवर्स है दी कोई प्रॉपर्टी प्रूव करनी तो इनवर्स वाली ते आ जाओ, तो इहनू सी मान लो। सो वी नो दैट सी इंटू सी इनवर्स इज आई, हुण इहदा सी किन्ना आ के ए, इत्थे वैल्यू फिल कर दो, के ए के स्केलर है पुत्र, नंबर है कोई 2 3 4, इंटू के ए दा इनवर्स इज आई, राइट। हुण के ते स्केलर है, इहनू नीचे लो जिवें नंबर है, और इत्थों ए खत्म करना है, तो की करिए दोनों पासे ए दे ए इनवर्स नाल प्री मल्टीप्लाई कर दी, जिहड़ा स्केलर है पुत्र उहनू तुसीं मूव अराउंड करा सकदे हो, मैट्रिक्स उड़ाउणा है ते इनवर्स नाल मल्टीप्लाई करना आएगा, तो यह आ गया 1/k इंटू आई, लैट्स प्री मल्टीप्लाई विद ए इनवर्स। सो किन्ना आ जाएगा ए इनवर्स इंटू ए इत्थे इंटू के ए दा इनवर्स, आ नंबर है नंबर बाहर आ जाएगा, ए इनवर्स इंटू आई, आई गैस प्रूव हो गया। सो हाँ जी किन्ना आएगा, ए इनवर्स इंटू ए बेटे आई आ जाएगा, आई इंटू सम मैट्रिक्स दैट मैट्रिक्स, वही आ जाएगा, हाँ, एंड अ 1/k नीचे पिया, और ए इनवर्स इंटू दिस आई इज ए इनवर्स, सो आ थोड़ी प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। ठीक है, या इनू इदा भी सोच सकते सी कि दैट इज इक्वल टू के इनवर्स इंटू ए इनवर्स, क्योंकि नंबर है नंबर की पावर -1 तो 1/k होंगे, ठीक है, ए इनवर्स एवं भी लिख सकते। ठीक है, सो आई होप आ क्लीयर है, और यदा मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल दे देना, जिदा थोड़े कंपीटिशन से आऊगा इस शेप च आएगा, इदा जिमें पूछ सकते हैं कि जिमें 3a का इनवर्स के बराबर है, ठीक है, दैट इज़ 1/3 ऑफ ए इनवर्स, थानू ए अगर गिवन है ना, वो कहेगा फाइंड आउट 3a का इनवर्स, तो ए इनवर्स कर लिया तो उन्होंने 1/3 ना मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल बी दिस वैल्यू। ठीक है, इदा इन्हू यूज़ करा आप। ठीक है, इदा ही, सो हुण इहदा हुण इहनू तुसीं प्रूव करियो खुद तो, ए के ए नू सी लै लियो, ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ के ए इज के दी पावर एन -1 इन एडजॉइंट, एन की है उहदा ऑर्डर। ठीक है, एग्जाम्पल मैं कहां कि वो कहिंदा कि एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ 2a लभो, वेयर ए सानू पता है, और इट इज़ अ 3x3 मैट्रिक्स, सो एडजॉइंट ऑफ 2a इज 2^(3 - 1) इंटू एडजॉइंट ए, दैट इज 2^2 4 टाइम एडजॉइंट ए। ठीक है, यदा मतलब जड़ा वाला मैट्रिक्स होगा वह 4 टाइम होएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी भी थोड़े स्कूल च नहीं आनी, एंड आ दो अगेन यू कैन प्रूव इट योर सेल्फ वेरी सिंपल कि ए इनवर्स द ट्रांसपोज इज ए ट्रांसपोज द इनवर्स, मतलब इनवर्स होवे ते ट्रांसपोज होवे तुसीं इनू इंटरचेंज कर सकते हो, और जिथे जिहड़ी इनवर्स लई 2 है ते एडजॉइंट लई भी 2 है, इहदे एडजॉइंट ए दा ट्रांसपोज इज एडजॉइंट ए दा ट्रांसपोज। ठीक है, इत्थे पूरे दे बाहर आ, इत्थे इहदे अंदर आ। ठीक है, आ तुहाडियां प्रॉपर्टीज़ हो गईयां, इनू लिस्ट बना लियो, इनू 2-3 बार तुहानू लिखना पैणा तां चेते रहणी है, और वंस अगेन मैं फिर रिपीट करदा, मेन्स ते एडवांस लई सारियां दा सारियां स्कूल दे अंदर तुहाडी पहली दूजी तीजी चौथी पंजवीं छेवीं और सवाल जिहड़ा आउंदा 5वीं ते 6वीं दा आउंदा ज़्यादा। ठीक है, और 7वीं भी तुहाडी NCERT च मैनशनड है, सो दे कैन आस्क अ क्वेश्चन। ठीक है, आई होप इन्ना क्लीयर है तुहानू, प्रॉपर्टियाँ क्लीयर है। हुण इहनू हले देखो मैं कराई हां, तुसीं एक बार लिख के लिस्ट बनाओगे, हुण मैं क्वेश्चन तुहाडे प्रैक्टिस करा दिंदा। ठीक है, थोड़े जे बेसिक जे फिर कंपीटीशन दे उहनां तुहानू आइडिया हो जाएगा किवें। अच्छा, पहला बिल्कुल बेसिक 1-2 सवाल उन्हें थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ी जी। ठीक है, ओके, दिस इज अगेन
ਪ੍ਰੀ ਬੇਸਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਏ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆ ਬੇਟੇ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆ ਸ਼ੋ ਦਿਸ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓਗੇ ਏ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 5a ਪਲੱਸ ਆਈ 7i0 ਇਹਨੂੰ ਸਕੁਅਰ ਕਰਿਓ 5a ਕਰਕੇ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਇਹ 0 ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਂਸ ਸ਼ੋ ਦੈਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨਵਰਟੇਬਲ ਹੈਂਸ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਇਨਵਰਟੇਬਲ ਕਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਮੋਡ 0 ਨਾ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇੱਥੋਂ ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਸੋ ਏ ਸਕੁਅਰ अगेन वेरी कॉमन क्वेश्चन इन स्कूल कंपीटिशन जिदा हूँ मैं कराऊंगा उस भी आता है स्कूल आप आ चीज़ नहीं पूछते जनरली आप पूछते कि इनवर्स लो तो लैटे सी मैं दोनों करा देना तो ए स्क्वेयर माइनस 5a कि बराबर है बेटे माइनस 7i हूँ असं इतों प्रूव करना है कि मॉड 0 नहीं है मॉड चाहिए तो दोनों पास की करिए मॉड लै लीए ठीक है अच्छा इतों देखो मॉड ऑफ ए कॉमन बचा ए माइनस 5i ब्रैकेट मॉड अच्छा हुण किसे भी मैं बार बार प्रॉपर्टी लिख रहा कॉन्सटेंट बार कढ़ना मॉड तो बार की आता के दी पावर एन ठीक है एन की ओदा ऑर्डर सो माइनस 7 दी पावर एन किन्ना इत्थे 2 इंटू मॉड ऑफ आई 1 ठीक है क्लियर है बेटे सो देयरफोर इत्थों किन्ना आ गया तुहाडे को मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ ए माइनस 5i इज इक्वल टू दिस नंबर ठीक है तो क्लीयरली हुण ए अगर मॉड ए 0 हुंदा ते आ वाली मल्टीप्लीकेशन 0 आ जानी सी और जिहड़ी कि 0 नहीं है ठीक है सो ना आ 0 है तो ना 0 है सो इतों प्रूव हो गया तुहाडा मॉड ए जिहड़ा है 0 नहीं है मॉड ए 0 नहीं है इहदा मतलब हो गया ए इनवर्स है ए इनवर्स एग्जिस्ट ठीक है तो अगेन ए स्कूल च नहीं पुछदे बट मैं वैसे कराता है स्कूल च पुछदे पुत्तर तुहाडे आ वाला ए इनवर्स लभो ठीक है दे विल आस्क फाइंड ए इनवर्स हुण इनू किवें करांगे ए इनवर्स लभना है देखो अदरवाइज तो मैं लास्ट क्लास तुहानू पढ़ाया कि तुसीं इत्थों की करोगे इहदा ए है एडजॉइंट कर लोगे इहनू स्वाप करके माइनस का मल्टीप्लाई एडजॉइंट आ गया मॉड ना डिवाइड करके ए इनवर्स आ गया बट वो कहिंदा इत्थों नहीं इद्दों लभो तो ठीक है सो ए स्क्वेयर माइनस 5a प्लस 7i0 मैनू ए इनवर्स चाहिए मल्टीप्लाई विद ए इनवर्स ठीक है सो ए इनवर्स पूरी इक्वेजन का मल्टीप्लाई कर दो इंटू इतने मल्टीप्लाई करा ए इनवर्स इंटू ए स्क्वेयर माइनस 5a इनवर्स इंटू ए प्लस 7a इनवर्स इंटू आई इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स इंटू ए ए इनवर्स नल मैट्रिक्स ठीक है बेटे अच्छा इतों हूँ ए इनवर्स इंटू ए स्क्वेयर हाँ जी ए स्क्वेयर कितना होता पुत्र ए इंटू ए तो ए इंटू ए इनवर्स आई सो आई इंटू ए ए आजूगा ठीक है या वैसे भी इफेक्टिवली पावर एड एक रह जाएगा ए ए ए इंटू ए इनवर्स आई 5i प्लस 7 ए इनवर्स इंटू आई ए इनवर्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स दैट इज इट तुहाडे को इत्थों ए इनवर्स आ गया देयर फोर ए इनवर्स आ वाला इधर रख दो आ सारी खाने परले पास लै दो सो 7a इनवर्स इज ठीक है 5i माइनस ए देयर फोर ए इनवर्स इज 1/7 ऑफ 5i माइनस ए हुण बेटे तुहानू ए पता है ओबजैक्टिव क्वेश्चन आता बेटे इदां ही मैं हुण अगे करावांगे सीधा सीधा सवाल आता है कि ए इनवर्स किहदे बराबर है पहला ऑप्शन होएगा दूजा तीजा तो आ गया और उहदे बाद की नाम है हुण अगर ओबजैक्टिव करना है तो देयरफोर ए इनवर्स इज हाँ जी 1/7 ऑफ 5i 5i हाँ जी कि 1001 माइनस ए दी वैल्यू तुहानू पता है ठीक है 3 1 माइनस 1 2 आ तुसी कैलकुलेट कर लोगे ठीक है दिस यू कैन कैलकुलेट माइनस करके वो एक थोड़े को मैट्रिक्स आ जाएगा थोड़ा ए इनवर्स आ गया ठीक है सो थोड़ा एक तरीका हो गया इनवर्स कढ़न का ठीक है एक तो अर्जेंट वाला मैथड एक एवं ऑलरेडी आ इक्वेजन है ना बेटे इस इक्वेजन सारी इनू कहने करैक्टरिस्टिक इक्वेजन की कहने करैक्टरिस्टिक इक्वेजन किसी भी मैट्रिक्स की करैक्टरिस्टिक इक्वेजन और एक हुणे मैं तरीका दसूँगा कि जितों असी आ करैक्टरिस्टिक इक्वेशन बना सकते हैं ठीक है सो असी नीचे डिसकस करते हैं हमने अच्छा उस तो बाद एक होर एग्जाम्पल ले लिए छोटी जी एक मैं एग्जाम्पल लिखिया मैट्रिक्स दिता है ए पता है तो वह कहता है चलो यदा मॉड मैं कट के रख लिया टाइम सेव करने मॉड ए 10 है हूँ कहता कि फाइंड आउट ए इनवर्स का डिटरमिनेंट हूँ ए इनवर्स नहीं पूछा उन्हें ए इनवर्स का डिटरमिनेंट पूछा तो हमें
पिछे प्रॉपर्टी पढ़ी है ए इनवर्स द मॉड इज, हाँ जी, वन बाय मॉड, ए इनवर्स द मॉड इज वन बाय मॉड ऑफ ए। सो यदा जो भी इनवर्स आएगा वह जो डिटरमिनेंट आएगा वो वैल्यू वन बाय टेन आएगी। अच्छा वो बाद कहता है वट इज़ एडजॉइंट ए द डिटरमिनेंट, अगेन ए पता है वो तो तुम एडजॉइंट नहीं कढ़ना, एडजॉइंट तद कढ़ा जो एडजॉइंट कला मैट्रिक्स पूछा है, इतने एडजॉइंट का डिटरमिनेंट पूछा है। तो प्रॉपर्टी की है मॉड ऑफ एडजॉइंट ए इज मॉड ए द पावर एन माइनस वन, एन की होंगे वह ऑर्डर, इतने ऑर्डर कि थ्री क्रॉस थ्री, सो थ्री माइनस वन टू, सो देर फोर मॉड ए पता है टेन, सो टेन द स्क्वेयर हंड्रेड। ए मतलब जो एडजॉइंट पुत्र तुम कढ़ोगे वह डिटरमिनेंट हमेशा सौ आऊगा। ठीक है बेटे, फिर पूछता है ए इनवर्स द इनवर्स, वो ए आही आंसर आ जाएगा बिल्कुल सीधा। ठीक है, ए इनवर्स द इनवर्स इज ए, और अभी प्रॉपर्टी लिखाई है एडजॉइंट ए द इनवर्स इज ए बाय मॉड ए। ठीक है, ए तो पता है मॉड ए कि टेन, तो मतलब दैट इज वन टेंथ ऑफ ए, ए तो सीधा लिखा है इतने माइनस वन वन टू एंड सो ऑन, आडा मैट्रिक्स है वो एडजॉइंट ए द इनवर्स आ जाएगा। सिर्फ प्रॉपर्टियाँ सीधी याद रखनी है। अच्छा क्वेश्चन देखो, कहता पुत्र कि ए इज़ अ इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, मॉड ए गिवन है, फाइंड मॉड ऑफ एडजॉइंट ए। ठीक है, ऑर्डर देते तो ये सीधा सानू फॉर्मूला पता है कि मॉड ऑफ एडजॉइंट ए इज मॉड ए द पावर एन माइनस वन। ठीक है, एन की होंगे वह ऑर्डर, ऑर्डर इतने थ्री है, सो देयर फोर मॉड ऑफ एडजॉइंट ए इज मॉड ए द पावर थ्री माइनस वन, दैट इज दिस। सो मॉड ए पता है पंज, तो पाँच दस स्क्वायर पच्ची थोड़े को आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैट्रिक्स नहीं पता बट तुसी ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट का मॉड कर सकते हो। सो थोड़े स्कूल च बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है, सिंगल मार्क्स चल जाता होंगे है ना कई बार, और अगर पूछन व्हाट इज मॉड ऑफ ए इनवर्स दैन यू नो द फॉर्मूला दैट इज वन बाय मॉड ए, एंड मॉड ए पंज है दैट विल बी वन बाय फाइव। ठीक है, तो चलो एक ए नाल एक मैं होर सवाल बना दा, जिमें मैं कहवा इफ ए इज वन टू थ्री फोर, ठीक है, फाइंड आउट मॉड ऑफ एडजॉइंट ए। तो अगेन मॉड ऑफ एडजॉइंट ए की है मॉड ए द पावर एन माइनस वन, एन इतने किन्ना पुत्र वह ऑर्डर, और ऑर्डर किन्ना है यदा टू क्रॉस टू, तो टू माइनस वन दैट इज़ वन। सो यह मतलब सिंपल मॉड ए कर लो, मॉड ए किन्ना है फोर माइनस सिक्स दैट इज़ माइनस टू, थोड़ा आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा एडजॉइंट कढ़ने की लड़ नहीं पे, डायरैक्टली तुम कर ले। ठीक है बेटे, ओके, आ भी बड़ा कॉमन सीबीएसई बोर्ड्स, वेरी वेरी कॉमन इन योर स्कूल्स। वो कहता ए मैट्रिक्स पता है, शो दिस एंड हैंस फाइंड ए इनवर्स। अच्छा शो दिस हूँ मैं मतलब ऑलरेडी थोड़ा करा चुका है, तुसी ए स्क्वायर करोगे फिर इतने ए की वैल्यू रखोगे, इतने यूनिट मैट्रिक्स आ थोड़ा जीरो आ जाएगा। ये तो जे आप पूछे ना हैंस फाइंड ए इनवर्स, वह तरीका की है ना, सानू आ पता है कि ए स्क्वायर माइनस सिक्स ए प्लस आई इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, तो दोनों पासे ए इनवर्स ना मल्टीप्लाई कर दो। सो लेट्स लेट्स प्री मल्टीप्लाई विद ए इनवर्स, दोनों बने तो इदा मल्टीप्लाई कर दो। सो तिना टर्म ना होगा ए इनवर्स मल्टीप्लाई, सो ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर, ए भी माइनस सिक्स ए इनवर्स इंटू ए प्लस ए इनवर्स इंटू आई, ठीक है, ए इनवर्स इंटू नल, तो नल मैट्रिक्स ना मल्टीप्लाई होकर नल ही आ जाऊगा। अच्छा ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर, ठीक है, दैट इज इक्वल टू ए, है ना, ए स्क्वायर कितना होता पुत्र ए इंटू ए, एंड ए इंटू ए इनवर्स आई, आई इंटू ए थोड़े को ए आ जाऊगा। सो आ गया ए, वट इज़ ए इंटू ए इनवर्स आई दैट इज सिक्स आई, ए इनवर्स इंटू आई दैट इज़ ए इनवर्स, राइट साइड ते नल मैट्रिक्स। सो अपन हैंस क्या, हैंस का मतलब समझो कि आ जी इक्वेशन गिवन है ना ए तो कैलकुलेट करना है ए इनवर्स, जिमें आप करते पे हैं सीधा ए इनवर्स नहीं कड़ना, एडजॉइंट कट के मॉड ना डिवाइड, वो उन्हें मना किया है। हैंस का मतलब यूजिंग दिस इक्वेशन यू हैव टू कैलकुलेट, देर फोर इतों ए इनवर्स कर लो, आ वाली सारी टर्म सज्जे पास ले जाओ। ठीक है, तो देर फोर ए इनवर्स आ गया सिक्स आई माइनस ए। हुण ए तुसी आराम नाल कढ़ सकदे हो क्योंकि सिक्स आई दैट इज़ टू क्रॉस टू है ना, वन जीरो जीरो वन माइनस ए, ए तुहानू ऑलरेडी पता है। ठीक है, आ सो टू सैवन वन फोर, बस आ तुसी ए इनवर्स कर लिया। तो जे हैंस करके पुछदा है तो फिर तुसी इस तरीके नाल करना है, सो दैट इज़ हाँ जी कितना आ गया सिक्स जीरो जीरो सिक्स
माइनस टू सैवन वन फोर, हाँ जी सिक्स माइनस टू फोर, जीरो माइनस सैवन माइनस सैवन, जीरो माइनस वन माइनस वन एंड सिक्स माइनस फोर टू, आ थोड़ा ए इनवर्स आ गया। ठीक है पुत्र। अच्छा ये कहें कि ए मैट्रिक्स गिवन है पुत्र तो बी तो थोनू रिवर्सल लॉ वेरीफाई करना है, तो ये तो सिंपल है पुत्र। तो पहला की करो, तुम राइट हैंड साइड लाओ, बी इनवर्स कडो ए इनवर्स कडो, मल्टीप्लाई करोगे वो राइट हैंड साइड आओगी। लेफ्ट लिए पहला ए इंटू बी करोगे दोनों मल्टीप्लाई, वो जो मैट्रिक्स आएगा वह इनवर्स कडोगे एंड यू विल सी कि दोनों बराबर आ जाने। ठीक है, सो आप एक एक करके चलते हैं, पहला बी इनवर्स कटते हैं। ठीक है, बी इनवर्स की होंगे पुत्र एडजॉइंट बी बाय मॉड बी, और इतने वो जिवें हम एडजॉइंट कड़ना है तो मैं सिखाया वो तुम तरीके लिखोगे भी यदा को फैक्टर आया जी सारा, तो मैं इतने सीधा लिख देना, हाँ जी बी का एडजॉइंट की दस्या सी इन्हों फ्लिप करके दैट इज़ थ्री ते वन, और इन्हों का साइन चेंज वन ते टू, ये आ गया एडजॉइंट बी बाय मॉड बी। वट इज़ मॉड बी? थ्री माइनस टू वन, तो मॉड बी वन है, तो आ थोड़ा बी इनवर्स आ गया। ठीक है, इदा ही तुसी ए इनवर्स कढ़ोगे दैट इज़ एडजॉइंट ए, और इतने ना नंबर के हिसाब से देख लियो, जे तो मतलब दो नंबर का होया फिर तो एवें ही कर दौ, है ना, जे थोड़ा वड्डा है तो फिर प्रॉपरली उन्होंने एक्सप्लेन कर दौ भी एडजॉइंट किवें कढ़िया। ठीक है, तो इदा ही मॉड ए कढ़ लो, हाँ जी मॉड ए किन्ना माइनस एट माइनस थ्री दैट इज़ माइनस इलेवन, सो माइनस वन बाय इलेवन इन टू, हाँ जी इनू स्वाप कर दौ माइनस फोर टू साइन चेंज ते आ, तो हुण तुहाडे को बी इनवर्स आ गया ए इनवर्स आ गया। तो फॉर द राइट हैंड साइड वट यू आर गोइंग टू डू बी इनवर्स इन टू ए इनवर्स, तुसीं इन्हां दोनों मल्टीप्लाई करोगे, सो माइनस वन बाय इलेवन थ्री टू वन वन, ठीक है, एंड माइनस फोर माइनस थ्री माइनस वन एंड माइनस टू प्लस टू, तो आ मल्टीप्लाई करके तुहाडे को एक मैट्रिक्स आ जूगा। हुण लैफ्ट हैंड साइड ते आओ, ठीक है, उस की करना मैं हिंट दे देना, पहला ए इंटू बी, पहला इन्हें दोनों मल्टीप्लाई करो, वो एक मैट्रिक्स आ गया, फिर वह प्रॉपर इनवर्स कर लियो एंड यू विल सी के वो थोड़ा राइट हैंड साइड के बराबर आ जूगा। ठीक है पुत्र, सो ये कैलकुलेशन की गलती नहीं करनी, तो बाकी चलो कुछ ज़्यादा है नहीं, जिदा कई बार यहोजे सवाल पूछ लेंगे कि पी मैट्रिक्स माइनस थ्री टू फाइव एंड माइनस थ्री वन टू टू माइनस वन, सो क्वेश्चन पूछा होएगा फाइंड द मैट्रिक्स पी। ठीक है, कई बार कहता कि फाइंड इनवर्स एंड हैंस फाइंड द मैट्रिक्स पी, तो ये मल्टीप्लीकेशन के नाल असी किदा कीता सी कि लेंदी मैथड का कि आ हुण टू क्रॉस टू मैट्रिक्स है और फाइनली भी टू क्रॉस टू है, तो अगर पी का ऑर्डर असी ए क्रॉस बी मान लीए तो मतलब बी टू होगा और फाइनली मल्टीप्लाई करके की आऊगा ए क्रॉस टू, और साडा की आ रहा है टू क्रॉस टू, यह मतलब ए भी टू होगा, यह मतलब पी मैट्रिक्स है दैट विल बी टू क्रॉस टू। हुण फिर लेंदी तरीका की बनता है कि ए पी नूं तुसीं मान लो टू क्रॉस टू कोई भी है ना, अल्फा बीटा गामा डेल्टा है ना इत्थे, और फिर इनू इहदे नाल मल्टीप्लाई करांगे फिर आपां इक्वेट करांगे। ठीक है, उत्तों तुहाडे कोल चार इक्वेशनां बननी अल्फा बीटा गामा डेल्टा च, इहो जिहे क्वेश्चन असीं मल्टीप्लीकेशन च कीते सी, तो ये लेंदी मैथड है। तो हुण जिवें इहदे च की है क्योंकि टू क्रॉस टू मैट्रिक्स है स्क्वेयर मैट्रिक्स है तो आपां इनवर्स ना करदे आं, तो की करदे आं कि हुण आ पी चाहीदा, इहदा मतलब आ वाला मैट्रिक्स अगर मैं चकदा इतों हटा दा इनू ए मान ला, लैट्स से पी इंटू ए आ ए हो गया, इनू बी मान ला, तो ए नू चकना, तो ए मैं दस्या सी कोई भी मैट्रिक्स हटाना होवे तो की करीदा उहदे इनवर्स नाल मल्टीप्लाई कर दो, है ना, बिकॉज ए इंटू ए इनवर्स इज आई, तो की करते हैं आप लैट्स ए पिछे बनने ना, लैट्स पोस्ट मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय मैट्रिक्स ए। ठीक है, आ साडा ए, और उत्ते पहला मॉड ए चैक कर लो, हाँ जी मॉड किन्ना है नाइन माइनस टेन माइनस वन, जिहड़ा कि जीरो नहीं है, यदा मतलब यदा इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो ए इनवर्स ना एस इक्वेशन, तो किन्ना आ गया पी ए ए इनवर्स इज बी इंटू ए इनवर्स एंड ए इंटू ए इनवर्स आई पी इंटू आई पी, इतों थोड़ा पी आ जूगा, सो पी मैट्रिक्स थोड़ा की आ गया बी इंटू ए इनवर्स, वो आसान है हुण, तो की करांगे तुहाडे को आ ए पता है यदा इनवर्स कढ़ लो इतें रखो तो बी ना मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो चलो बी कि इतने आ वाला बी सी बेटे वन टू टू वन, ठीक है, इन टू ए इनवर्स, ए इनवर्स कि होंगे
एडजॉइंट ए बाय मॉड ए है ना, वो तुम कढ़ लियो तरीके ना, एडजॉइंट ए इतने मैं डायरेक्टली लिख देना आ एडजॉइंट ए बाय मॉड ए, मॉड ए कि माइनस वन, वो अगे ला दी आ गल समझ आ रही ना, ये डिवाइड बाय माइनस वन है उन्होंने अगह लिखता मैं, तो एडजॉइंट कि हो गया था ए का, इन्हों चेंज कर दो विच रिमेन सेम, साइन का चेंज माइनस फाइव से माइनस टू, बस आप मल्टीप्लाई कर लो, थोड़े को बड़ा वधिया 2x2 मैट्रिक्स आ जाएगा विच विल बी पी। ठीक है, सो आ तरीका है यह सॉल्व करने का। ठीक है पुत्र, आई होप इन्ना क्लियर है, बाकी नेक्स्ट क्लास चलते हैं।